गाइस, मैं हूं अभिनव। और जैसा कि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं 46 मैच की, तो अब हम बात करेंगे 47 मैच की जो कि कल खेला जाना है। तो यहां पे मैं आपको बता देता हूं, दिस इज़ द 47th मैच बिटवीन कोलकाता वर्सेस मुंबई इंडियंस। और देखना होगा गाइस कि इन दोनों टीम्स में से कौन सी टीम अपना पलड़ा भारी करके मैच जिता के लेके जा सकती है। तो गाइस, अगर मैं पॉइंट टेबल की बात करूँ कोलकाता वर्सेस मुंबई इंडियंस की, तो मुंबई इंडियंस नंबर सेकंड पे है, जिसने 11 में से 7 मैचेस जीते हैं। और वहीं पे केकेआर 7 नंबर पे पहुंच गई है, जिसने 11 में से ओनली 4 मैचेस विन किए हैं। कोलकाता अपनी विनिंग पोजीशन को बनाए रखने में बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन अगर मैं आपको बात करूं तो ऑलरेडी 5 मैचेस कंटिन्यू वो हार चुकी है। तो देखना होगा गाइस कि क्या इस बार के क्या अपनी विनिंग पोजीशन को वापस बरकरार कर पाती है। और वैसे के क्या के लिए भी सेम सिचुएशन है कि उसको ये मैच जीतना ही होगा, आगे के 3 मैचेस भी जीतने बहुत ज़रूरी हो गए हैं। जबकि मुंबई इंडियंस की बात करूँ तो ऑलमोस्ट मुंबई इंडियंस क्वालिफाई कर चुकी है। तो यहाँ पे मैं आपसे बात करता हूँ गाइस टॉस प्रेडिक्शन की, पैटर्न की, क्योंकि ये मेरा टॉस प्रेडिक्शन है। तो मैं यहाँ पे बात करूँगा कि टॉस प्रेडिक्शन कैसे किया जाता है। गाइस, हमारा टॉस प्रेडिक्शन कुछ इस तरीके से होता है कि मेरे पास 2 टीम्स हैं, कोलकाता नाइट राइडर्स एंड मुंबई इंडियंस। सो टू जिसको भी पहली पिक करती है वो हमारी विनर टीम होती है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर भाई ने केकेआर की टीम को पिक किया है तो वो विनर टीम बनी जाएगी। फॉर द टॉस प्रेडिक्शन दिस विल बी द विनर, मतलब कि ये वाली टीम को टॉस को विन करेगी, जीतेगी। अगर भाई मुंबई इंडियंस को पिक करती है तो टॉस प्रेडिक्शन आ विनर मुंबई इंडियंस होगी, फॉर एन एग्जाम्पल। तो गाइस, अब देखना होगा कि कौन सी टीम प्रेडिक्शन में जीत पाती है, यानी कि कौन सी टीम को भाई पिक करती है एज अ टॉस प्रेडिक्शन। सो हियर इट इज फॉर द टॉस प्रेडिक्शन बिटवीन केकेआर वर्सेस मुंबई इंडियंस। यू कैन वॉच इट, लाइक इट, कमेंट इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट। गाइस, हैव अ ग्रेट डे, बेस्ट ऑफ लक।